क्या बला है। तो आप मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स के अंदर हम थोड़ी बहुत चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीजें आपने करनी है। देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। सेक्शन टू के अंदर हमने सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल करा और हमने उसका रिवर्सल करा, फिर हमने सिमिलर डेलीगेशन करा और हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर लिया, सही है। अब हमारे पास है मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स। अगर मैं मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स की बात करूं तो ये आपका ऑफिशियल रिफॉर्म है, फर्स्ट रिफॉर्म है जो कि आपके पास कहां पर आया, जो कि आपके पास सेक्शन टू में पहली दफा आया, सही है। ये आपका एक ऑफिशियल रिफॉर्म है। अब ये हम क्या करेंगे इसको, तो हम इसको पढ़ेंगे कि भाई आपके पास जो मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स था उसके अंदर क्या बला। तो मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम ये चीज पढ़ते हैं कि मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स क्यों आए, आने की कोई वजह होगी, कोई भी ऐसे ही तो नहीं आ जाता ना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन क्लास में क्यों आए, तो इसलिए आए कि सर हमारे अंदर थोड़ी सी शर्म है, हम पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास के अंदर आ गए। लेकिन वैसे कोई रीजन होता है, तो इसी तरीके से मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स क्यों आए, आज तक ये सवाल नहीं आया। जब मैं ये बोलूं कि सवाल नहीं आया, कचरा सवाल बोलूं, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर में आपको पता है नया सवाल आ सकता है, तो इसकी वजह से हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स क्यों आए, पहला रीजन है टू रिजॉल्व द कम्युनल टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सर क्या मतलब, मतलब ये है कि आपके पास दो पार्टियां लड़ रही थी, कौन लड़ रही थी दो पार्टियां, एक आपके पास थी हिंदूज और एक थी मुसलमान। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हिंदूज जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, मुसलमान सेटिस्फाइड थे, आपस में लड़ रहे थे। उन लड़ने की वजह से ब्रिटिश ने सोचा कि हम रिफॉर्म्स लाते हैं, रिफॉर्म्स लाने से हम उनकी लड़ाइयां क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो पहला रीजन है क्यों मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म आए, उनके फट्टे सॉल्व कराने के लिए आए, सही है पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, दे वॉन्टेड टू स्टार्ट देयर पॉलिसी ऑफ 10 ईयर्स। क्या मतलब, देखें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि आज से मैं हर हफ्ते क्लास लूंगा, तो मैं आज का मतलब ये कि आज मैं शुरुआत करूंगा तो हर हफ्ते क्लास लूंगा ना। तो इसी तरीके से उनकी पॉलिसी आने वाली थी कि हर 10 साल के बाद रिफॉर्म आएंगे, तो ये उन 10 साल वाली जो रिफॉर्म वाली पॉलिसी थी उसका स्टार्ट था कि स्टार्ट करेंगे तो हर 10 साल के बाद रिफॉर्म आएंगे। और तीसरी बात आप ये बताएंगे कि इनको इंडियन मेंबर्स ऐड करने थे किसके अंदर, काउंसिल के अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके पास चाहे वो प्रोविंशियल हो, इनको क्या करना था, इनको बेसिकली काउंसिल साइज बढ़ाना था बाय एडिंग इंडियन मेंबर्स। तो मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स के आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स इसलिए आए क्योंकि मुसलमान और हिंदूज के बीच में क्या चल रहा था, फड्डा। और फड्डा किस बात पे चल रहा था, फड्डा इस बात पे चल रहा था कि एक को पार्टीशन चाहिए था, एक को पार्टीशन नहीं चाहिए था। जब एक को पार्टीशन चाहिए था, एक को नहीं चाहिए था, तो ब्रिटिश ने सोचा कि हम रिफॉर्म्स लाते हैं, इनका मसला हल करा देते हैं। दूसरा आप ये बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हर 10 साल के अंदर आना था, तो 10 साल के अंदर आना था तो उसका स्टार्ट लेना था, जब स्टार्ट लेना था तो दैट्स व्हाई उन्होंने सोचा कि हम रिफॉर्म्स ले आते हैं, मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स, और 10 साल में क्या होगा कि हमारे रिफॉर्म्स एक पॉलिसी बनना शुरू हो जाएगी, हर 10 साल के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे। तीसरी बात क्या है, इनको काउंसिल साइज बढ़ाना था, इंडियन बार बार रो रहे थे कि हमें राइट्स दो, हमें गवर्नमेंट के अंदर सपोर्ट दो, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम रिफॉर्म्स लाते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि काउंसिल का साइज बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे, बाय एडिंग इंडियन मेंबर्स, ताकि इंडियन सेटिस्फाइड हो जाए कि उनको हम गवर्नमेंट के अंदर रोल दें। तो ये सवाल इंतहाई हद तक वाहियात सवाल है, बिल्कुल बकवास सवाल है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि पास्ट पेपर में कुछ भी आ सकता है, आपके पेपर के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो क्योंकि आपको पता है नए क्वेश्चंस तो आएंगे और नए क्वेश्चंस पे 7 मार्क का यकीनन आएगा। तो व्हाई मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, इसके 3 रीजंस हैं और 3 रीजंस के अंदर आपके पास ये, अगर आप मेरे नोट्स में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बाय MYM के नाम से दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये आज तक पेपर में नहीं आया। Why modeling into reforms introduced by British government? सबसे पहला reason क्या था? British government was sick of the issues after partition of Bengal, so to resolve the communal tension between Hindus and Muslims, they started these reforms so that both the parties could resolve their issues politically by stopping violence in India. इनके मसले हल करवाने के। दूसरा reason, the British government wanted to work on the plan of reforms in the 10 years so that all Indian parties could be ruled by making the Constitution of India with the help of all political parties of India. They wanted to give the power to the Indians step by step, so they planned to do it after every 10 years and this was the start of their policy. Third reason kya hai, the British government wanted to enlarge ka matlab council ka size bada karna tha by adding Indians in the law making council so that they can get the idea
of the demands of the Indians and could resolve their issues. The government wanted to know the views of the Indians and wanted to convey their messages to the Indians. तो ये इस वजह से उन्होंने मॉडल लिमिटो रिफॉर्म्स लाए, लेकिन ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते. क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि पेपर में जब आ जाएगा तो फिर आप लोग रोना धोना करोगे. तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट, सही है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. अब हमारे पास है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे, सही है? मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आपके पास कब आए? अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी रिफॉर्म्स आप नाम वाले पढ़ोगे, जैसे आप मॉडल मिंटो पढ़ रहे हो, तो जो पहला नाम है वो किसका होता है? वो जनरल सेक्रेटरी का होता है. किसका होता है? जनरल सेक्रेटरी का. और जो दूसरा नाम होता है ना, जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम किसका होता है? दूसरा नाम होता है वायसराय का. तो अभी ये जो मिंटू भाई है, ये मिंटू भाई थे वायसराय, और जो मॉडले भाई थे ये क्या थे? जनरल सेक्रेटरी. ये बात आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में मोंटेगू ट्रांसफर रिफॉर्म्स भी आएंगे, तो आप बाद में रोना धोना करोगे. तो इसलिए ट्रिक ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास कभी भी आपके पास रिफॉर्म जो नाम वाले हैं उसमें याद रखना कि जो पहला नाम होता है वो किसका होता है? वो जनरल सेक्रेटरी का होता है. और जो दूसरा नाम होता है वो किसका होता है? वाइसरॉय का होता है. तो लॉर्ड मॉडले कौन है? जनरल सेक्रेटरी है. और लॉर्ड मिंटू कौन है? वाइसरॉय. अब ये आपके पास देखो पेपर में चार मार्क का सवाल आ सकता है, व्हाट वर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, या फिर सवाल आ सकता है व्हाट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. पेपर में सवाल आ सकता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या है. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या है, सही है? तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कब आए? 1909 में आए. इसका दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. मॉडल भाई जो थे उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी थे और मिंटू भाई उस वक्त के वाइसरॉय थे. अब इस रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने क्या बातें करी वो इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि हम इम्पीरियल काउंसिल. अब बेटा इम्पीरियल काउंसिल का मतलब क्या होता है? इम्पीरियल काउंसिल का मतलब ये होता है कि इसमें ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम उसकी सीट्स बढ़ा देंगे. कितनी बढ़ा देंगे? बाय एडिंग 60 इंडियन मेंबर्स. पहली बात इन्होंने ये करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम 60 इंडियन मेंबर्स ले आएंगे, 60 इंडियन मेंबर्स, सही है? तो ये अच्छी बात थी. दूसरी बात इन्होंने क्या करी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसका भी हम साइज बढ़ाएंगे बाय एडिंग 50 इंडियन मेंबर्स इन लार्ज प्रोविंस एंड 30 इंडियन मेंबर्स इन स्मॉल प्रोविंस. ये भी अच्छी बात थी कि 50 मेंबर कहां पे ऐड होंगे? लार्ज प्रोविंस में, 30 होंगे स्मॉल प्रोविंस में, और 60 होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम इंपीरियल काउंसिल भी कहते हैं या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, सही है? घबराना नहीं है. इंपीरियल काउंसिल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रोविंसेस वाली गवर्नमेंट, सही है? जैसे सेंट्रल में अभी हमारी कौन है? अभी हमारे शोभाष शरीफ है. कौन है? शोभाष शरीफ. और अभी जो सिंध में किसकी है? हमारी भुट्टो अभी भी जिंदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. इसी तरीके से केपीके में किसकी है? हमारी इमरान खान भाई की. पंजाब में अभी किसकी है? इमरान खान भाई की है. तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? जो मेन गवर्नमेंट होती है, जो कि मुल्क चला रही है. तो उसमें 60 इंडियन मेंबर्स ऐड होंगे, प्रोविंशियल काउंसिल में 50 मेंबर लार्ज प्रोविंस में और 30 स्मॉल प्रोविंस में. अब याद करना है आपको कि इसके अंदर आसान अल्फाजों में ब्रिटिश ने क्या करा. ब्रिटिश ने बोला बेटा आप ये ले लो लॉलीपॉप. लॉलीपॉप पकड़ा दी और बोला बेटा ये आप लॉलीपॉप खाओ. क्यों खाओ लॉलीपॉप? इसलिए खाओ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मेंबर्स डिस्कस कर सकते थे. जैसे कि आपको ये बात पता है कि आप अगर अपने घर में जाके बोलो कि आज से मैं मोबाइल यूज करूंगा कितनी देर? रात के 1 बजे तक. आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आपके अब्बा हुजूर आएंगे ना, तो आपके अब्बा हुजूर बोलेंगे बेटा पप्पा कौन है? पप्पा मैं हूं. चलेगी किसकी? मेरी. तो इसी तरीके से हमारे पास उस जमाने में जो ब्रिटिश थे वो क्या थे? रूलर्स थे. तो जब ब्रिटिश रूलर्स थे तो उन्होंने ये बोला कि आप लोग सिर्फ डिस्कस कर सकते हो, आप लोग कोई चीज पे वो नहीं कर सकते कि सिर्फ डिस्कशन कर लिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए. सुनी आपकी नहीं जाएगी. फिर क्या हुआ? सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिल गए. सर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स तो मुसलमानों का फायदा था, बिल्कुल फायदा था, बहुत अच्छी बात थी. सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, वुमेन वोट नहीं दे सकती थी, वुमेन वोट नहीं दे सकती थी, ये नुकसान वाली बात थी. मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. तो आपके पास अगर सवाल आ जाए व्हाट वर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, 1909 में आए, मॉडली भाई उस वक्त के कौन थे? जनरल सेक्रेटरी. और मिंटू भाई कौन थे उस वक्त के? वाइसरॉय. आप ये बताओगे इसका दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909,
इसके अंदर ये बोला गया कि सेंट्रल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हम 60 इंडियन मेंबर सेट करेंगे, लार्ज प्रोविंस के अंदर हम कितने मेंबर सेट करेंगे 50, और जो स्मॉल प्रोविंस है उसके अंदर हम कितने ऐड करेंगे 30। इसके अंदर ये बोला गया कि जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, मेन पावर्स किसके हाथ में थी, इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिल गए जो कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात थी, वुमेन वोट नहीं दे सकती थी, मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए पेपर में सवाल आएगा व्हाई कांग्रेस अपोज मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स। तो यहां तक की कहानी आपके पास, मैंने आपको दो चीजें करवा दी कि मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स क्यों आए और मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स क्या थे। जिस जिसको समझ आ गया वो चिल करे, वैसी जिंदगी बहुत मुश्किल है, और जिसको समझ नहीं आया वो एन लिखकर भेज दे कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसको वापसी समझाऊंगा, 1 मिनट का टाइम है, जिंदगी जी ले। जी बेटा, सिर्फ डिस्कशन कर सकते थे, सही है। अच्छा, अब हमारे पास सवाल क्या आएगा, अब हमारे पास सवाल आएगा कि व्हाई मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स और अपोज बाय कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब ये है कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदूज की, कि हिंदूज ने इसको अपोज करा था, मुसलमानों ने इसको अपोज नहीं करा था, सही है। तो अब हमारे पास जब हिंदूज ने अपोज करा तो सर क्यों अपोज करा, आपको ये बात बतानी चाहिए कि हिंदूज वॉन्टेड सेल्फ रूल। जब से आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी सेक्शन वन में जो आपने पढ़ी थी, जब से इनका ये रूल था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। अब हिंदूज को जब सेल्फ रूल चाहिए था तो ब्रिटिश ने मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स के अंदर सेल्फ रूल नहीं दिया। सेल्फ रूल का सर मतलब क्या है, तो बेटा सेल्फ रूल का मतलब ये कि हिंदूज चाहते थे कि हम खुद रूल करें, हम रूलर्स बने। तो ब्रिटिश ने बोला बेटा कि आप जो है अभी कोई सेल्फ रूल नहीं कर सकते, अभी आपका वो लेवल नहीं है, सही है। तो हिंदूज क्या है, वॉन्टेड सेल्फ रूल। ब्रिटिश ने मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स के अंदर सेल्फ रूल नहीं दिए। मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स के अंदर हम सिर्फ एडवाइस कर सकते थे, रूलिंग नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हिंदूज को गुस्सा आया और हिंदूज ने उसको अपोज करा। तो पहला रीजन क्या है कि हिंदूज को सेल्फ रूल नहीं मिला। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि हिंदूज को चाहिए थे ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स। सर ये ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स और सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, तो बेटा आपको याद होगा कि ज्वाइंट इलेक्ट्रेट और सेपरेट इलेक्ट्रेट का फर्क मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। ज्वाइंट इलेक्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आप मेजोरिटी वाइज देखोगे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 100 वोट पड़ रहे हैं, सही है। अब जब 100 वोट पड़ रहे हैं तो उसके अंदर होगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 लोग थे, सौ में से आपके पास 70 मुसलमान, 70 जो थे वो हिंदूज थे, 70 हिंदूज थे, 70 में से 56 लोगों ने वोट दिया हिंदूज को, आपके पास बाकी जो 30 थे 30 में से कितने लोगों ने वोट दिया, 27 मुसलमानों ने वोट दिया। तो अगर हम मेजोरिटी वाइज देखें, ज्वाइंट इलेक्ट्रेट के थ्रू देखेंगे, तो कौन जीतेगा, हिंदूज जीतेंगे क्योंकि हिंदूज मेजोरिटी में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज आपकी ये 80% बनेगी और यहाँ पे आपके पास 90% बनेगी। अब जब ये 90% बन रही है तो उससे क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्ट्रेट से परसेंटेज वाइज देखा जाता तो मुसलमान के जीतने के चांसेस ज्यादा थे। अब जैसे अगर कम लोग होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वोट मिलने के चांसेस हैं और परसेंटेज ज्यादा होने की चांसेस है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि आपके पास कौन हारा, ब्रिटिश को, हिंदूज को इस बात पे गुस्सा आया। हिंदूज को कौन से इलेक्ट्रेट्स चाहिए थे, ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया। उन्होंने ये बोला कि मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स में तो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स है और हिंदूज जो है वो क्या है कि हिंदूज के लोग फ्री तो करा नहीं रहे, और कौन जीतना शुरू हो जाएगा, मुसलमान जीतना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्होंने उसको अपोज करा। और इन्होंने किसको अपोज करा, मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स को, क्योंकि इनको कौन से इलेक्ट्रेट चाहिए थे, ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स, सही है। सिर्फ ज्वाइंट लिखकर नहीं आओगे क्योंकि ज्वाइंट का मतलब कुछ और हो जाता है, सही है। तो ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स आपके पास क्या थे, हिंदूज को चाहिए थे। मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स के अंदर कौन से इलेक्ट्रेट्स मिले थे, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, कौन से मिले थे, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। हिंदूज को ये बात पे गुस्सा आया और उन्होंने ये सोचा कि यार ये लोग तो मुसलमानों को फ्री करा रहे हैं, कल के बच्चे इनको फ्री करवा रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने मॉडलिमेंट टू रिफॉर्म्स को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन आप क्या बताओगे, अगर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मुसलमानों को मिल जाते तो मुसलमानों की सीट्स भी ज्यादा होना शुरू हो जाती। सर कैसे, अगर मैं आपको बोलूं कि यार दो बच्चे हैं, मुसलमान सिर्फ दो लोग हैं, और अगर दो में से दो मुसलमान वोट देने पहुंच जाएंगे तो ऐसे तो ये लोग 100% वोट ले लेंगे, और सेपरेट इलेक्ट्रेट्स में तो परसेंटेज देखी जा रही है,
तो चांसेस किसके जीतने के ज्यादा थे अगर सेपरेट इलेक्टेड होते हैं मुसलमानों की, तो सारी सीट्स मोस्टली किसके पास चले जाती, मुसलमानों के पास। मुसलमान माइनॉरिटी में होते हुए सीट्स क्या हो जाती, ज्यादा। और ये बात कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हिंदूज, क्योंकि हिंदूज कभी भी मुसलमानों को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मॉडलीमेंटो रिफॉर्म्स को क्या करा, अपोज करा। तो पहला रीजन क्या, उनको सेल्फ रूल चाहिए था, मॉडलीमेंटो रिफॉर्म्स में सेल्फ रूल नहीं मिला। दूसरा रीजन क्या है, इनको ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स चाहिए थे, ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स नहीं मिले। तीसरा क्या है कि अगर मुसलमान ये लोग एक्सेप्ट कर लेते तो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की वजह से मुसलमानों की सीट्स क्या हो जाती हैं, ज्यादा। और मुसलमान तो माइनॉरिटी में, तो उनकी सीट्स कैसे ज्यादा हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने उसको अपोज करा, क्योंकि बिकॉज दे कांट सी मुस्लिम्स प्रॉस्परिंग, और उन्होंने उसको अपोज करा। एक और इसका कचरा रीजन है, चौथा रीजन, वो चौथा रीजन ये है कि दे वॉन्टेड टू रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट्स वाई दे वॉन्टेड टू प्रेशराइज ब्रिटिश। आपको ये बात पता है कि ये रिफॉर्म्स कब आए थे, ये रिफॉर्म्स आए थे 1909 में, सही है, अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। रिवर्स हुआ था 1911 के अंदर, इनको क्या करवाना था, रिवर्स करवाना था। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू प्रेशराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि हम इनको रिवर्स, हम इनको रिजेक्ट कर देंगे, ये लोगों के ऊपर प्रेशर आएगा, और ये लोग फॉरन किसको अपोज कर देंगे, ये लोग किसको रिवर्स कर देंगे, उसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को। तो ये इस वजह से उन्होंने उसको अपोज करा, लेकिन वो हमारे पास क्या है, कचरा रीजन है, सही है। तो ये बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, ये सवाल हो गया। अब सवाल का हम आंसर देख लेते हैं, व्हाई वर द मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स ऑफ 1906 नहीं है, 1909 है, सही है। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में क्या हुआ है, मसला। तो 1909, द ब्रिटिश इंटेंटेड, द ब्रिटिश कुड वॉइस देयर ओपिनियंस इन द काउंसिल, बट द हिंदूज वॉन्टेड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच द गवर्नमेंट वॉज नॉट प्रिपेयर टू गिव। दिस अनॉयड द हिंदूज हु वर लुकिंग टूवर्ड्स सेल्फ रूल, दैट्स वाई दे ओपोज मॉडलीमेंटो रिफॉर्म्स, पहला रीजन। दूसरा रीजन, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स टू हैव सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, विच ऑल्सो अनॉयड सम हिंदूज हु सॉ इट एज अ कंसेशन टू फार। बहुत ज्यादा मतलब कर रहे थे वो, समझ रहे थे कि मुसलमानों को इन्होंने बहुत फ्री करवा दिया है। The Hindus wanted the right of joint electorate for all the areas of India because they were in majority and could easily win elections in many areas, but British granted the right of separate electorate to the Muslims. Teesri baat, the Hindus were aware of the power of the Muslims after winning the seats in the future elections, so some Hindus also resented the relative high position of Muslims in councils despite their much smaller number. Kitne kam hai aur ye phir bhi hame rule kar rahe hain. The Hindus did not wish that the Muslims should control even few high posts. That's why they opposed Moderate reforms. अब अगर आप इस सवाल को नोट करें तो ये कितना ज्यादा रिपीट हुआ है, ये आपके पास रिपीट हुआ है जून 2013, नवंबर 2008, नवंबर 2004, तो ये आपके पास रिपीट हुआ है। अगर आप इसके मेरा न्यू एडिशन जो आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर किया गया है उसके अंदर आप देखेंगे, ये 2020 के अंदर 2021 के पेपर में भी आ चुका है मॉडलीमेंटो रिफॉर्म, जो कि अपडेटेड एडिशन है, ये वाली फाइल अपडेटेड एडिशन नहीं है। तो ये सवाल काफी ज्यादा रिपीट होता है, और आप सवाल में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे व्हाई डिड कांग्रेस, तो कांग्रेस ने अपोज करा था, एआईएमएल ने अपोज नहीं करा था। तो जिस जिसको ये समझ आ गया वो चिल करे, और जिसको समझ नहीं आया वो एन लिख कर भेजे कि सर हमें समझ।